सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकवी ऑटो कार में। दोस्तों क्या आप लोग 2024 में एक 5 सीटर CNG कार का प्लान कर रहे हो, जो कि एक फैमिली कार हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो, सभी फीचर्स प्रोवाइड करती हो, अच्छे माइलेज देती हो, इंजन के स्पेसिफिकेशंस अच्छे हो, इंटीरियर अच्छा हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक 5 सीटर फैमिली कार लेके आया हूँ, जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग कार है, जो कि मारुति की तरफ से आती है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी वैगनार। एंड ये जो आप लोग वेरियंट देख रहे हैं वो है LXi वेरियंट, जो कि थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन या फिर थोड़े बहुत एक्सेसरीज के साथ में मार्केट में आ गया है, जो कि 2024 का एक न्यू वेरिएंट है, जिसमें अब आप लोगों को कंपनी ने OBD E20 फेज 2 अपडेट के साथ में पूरे न्यू फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे अभी मैं आप लोगों को दिखाने और बताने वाला हूं। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। शुरुआत करता हूं इस कार के शोरूम प्राइस से, जो कि है 6,44,500 रुपए के अप्रॉक्स में। एंड जो ओनर प्राइस है लखनऊ का वो है 7,54,000 रुपए के अप्रॉक्स में। एंड अब आ जाते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल लुक की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे सुजुकी का लोगो है, क्रोम विद मैट ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम से लुक प्रोवाइड कर रही है। नीचे नंबर प्लेट का स्पेस है, लोअर ग्रिल देखने को मिल जाती है, पूरी फाइबर बॉडी के साथ में आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्चरेटेड है। एंड यहाँ पर स्किड प्लेट भी आपको देखने को मिलती है, टू हुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फॉग लैंप की हाउसिंग है, जो कि एक्सेसरी के तौर पर यूज़ की गई है। एंड हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजन बेस पूरा हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है, विजिबिलिटी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है। इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन बेस देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा है पूरा फ्रंट का प्रोफाइल। एंड अब चलते हैं ऊपर साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे CNG की बैजिंग है विंडशील्ड पर यूज़ की गई है, और विंडशील्ड भी आपको अच्छी विजिबिलिटी के साथ में देखने को मिलती है। डुअल वाइपर्स देखने को मिलते हैं, वॉशर्स के प्लेसमेंट है। एंड बोनेट एरिया की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेन देखने को मिलता है सेंटर में, साइड्स में आपको डुअल कट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है कार फ्रंट से देखने पर। फ्रंट की चौड़ाई में बता दूं, जो कि है 1620 mm की अच्छी खासी विड्थ यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इस कार का जो रूट प्रेजेंस रहता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और कार बहुत ही अच्छी लगती है। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो साइड से आपको कुछ इस प्रकार के लुक्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत से एक्सेसरीज के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फेंडर की तरफ आप देखेंगे तो इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि हेलोजन बेस है। एंड यहाँ पर फ्रंट में कट्स देखने को मिल जाएंगे, फेंडर के ऊपर यूज़ किए गए हैं। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है, जो कि आते हैं 155/80R 13 इंचेस के स्टील व्हील यूज़ किए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आते हैं, सुजुकी का कैप देखने को मिल जाएगा, ट्रैवलिंग सस्पेंशन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, कंफर्टेबली आप राइड कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं रूफ की तरफ, तो ए व्हीलर पूरा बॉडी कलर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रूफ में आपको दिखा दूं, जिसके ऊपर कट्स एंड डिजाइंस देखने को मिल जाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। एंड फ्रंट के सेंटर में आपको पावर एंटीना देखने को मिल जाता है। ORVM आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलता है, जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आता है, कुछ इस प्रकार का जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड डोर्स पर आप देखेंगे तो क्लाइडिंग यूज़ की गई है, जो कि एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं। एंड जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप डोर को ओपन कर सकते हैं मैनुअली। बी ब्लर बॉडी कलर्ड है। एंड यहाँ पर सन वाइजर्स यूज़ किए गए हैं, कुछ इस प्रकार के हैं विंडो पर। बैक साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ब्लर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में वो है 32 लीटर की, CNG में 60 लीटर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा है पूरा सेट का प्रोफाइल। एंड अब मैं आप लोगों को डायमेंशन बता दूं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3655 mm की, हाइट 1675 mm की है, व्हील बेस 2435 mm का है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm का। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से कुछ इस प्रकार के लुक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर साइड में आपको हाईमॉस स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, जो कि हेलोजन बेस यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर स्पॉइलर आपको देखने को मिलता है, जो कि प्लेन है, यहाँ पर डिफॉगर का प्लेसमेंट नहीं है, CNG की बैजिंग यूज़ की गई है। नीचे साइड में आ जाएंगे, सुजुकी का लोगो है, वैगनार की ब्रैजिंग देखने को मिलती है, क्रोम फिनिशिंग के साथ में, नंबर प्लेट का स्पेस है। एंड यहाँ से आप रियर बूट को ओपन कर सकते हैं मैनुअली। टेल लाइट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, तो टेल लाइट आपको बहुत ही लंबी सी देखने को मिलती है, जो कि पूरी हेलोजन बेस आती है। विजिबिलिटी आप देखेंगे दोस्तों नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एंड नीचे देखेंगे रियर का पूरा बम्पर एरिया है, बॉडी कलर यूज़ किया गया है। डुअल रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट में, डुअल पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं रियर वाले। एंड यहाँ पे भी स्किड प्लेट यूज़ की गई बॉडी कलर, एक बार नीचे से आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार का पूरा लुक है। हुक देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट मफलर देखने को मिल जाएगा, पूरी कवरिंग की गई है। तो ऐसा है पूरा रियर का प्रोफाइल, नॉर्मल यूज़ किया गया लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इस CNG वेरिएंट में, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। चलिए सेकंड साइड प्रोफाइल दिखा दूँ, वो भी आपको पूरा सेम देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के अंदर, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को केवल बाहर से कार दिखा रहा था, अब मैं आप लोगों को अंदर से इस कार को दिखा देता हूँ। ओपन करता हूँ पैसेंजर साइड्स के डोर को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर पैनल कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, सेकंड रो का है, जो कि आता पूरा हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में है, टेक्चर रेडेड है, सॉलिड सी फिनिशिंग यूज़ की गई है। एंड यहाँ पर
डोर ओपनर देखने को मिलेगा मैट ब्लैक फिनिशिंग में, एंड ये रोलर है जिससे आप विंडो को अप डाउन कर सकते हैं। हैंड ग्रिपर है, शॉर्ट सा आर्मरेस्ट है, नीचे बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार की। तो ऐसा है पूरा डोर पैनल जो कि फायर बॉडी के साथ में आता है सॉलिड सा। एंड सेकंड रो की सीट्स की बात करें या फिर सेकंड रो की बात करें तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सीट्स ब्लैक फैब्रिक के पॉस्टी वाली देखने को मिलती हैं जिसके ऊपर कवरिंग की गई है, और ये एक एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं जिनका प्राइस मैं अभी आगे आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। थाई सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा यूज़ किया गया पैसेंजर्स के लिए, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है, फिक्स वाले हेडरेस्ट हैं, सीट बेल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के हैं। एंड यहाँ पर डोर पैनल आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा सेकंड साइड वाला, ऊपर देखेंगे हैंड ग्रिपर यूज़ किया गया है। नीचे मैं आपको लेग स्पेस दिखा दूँ तो लेग स्पेस दोस्तों अच्छा खासा यूज़ किया गया, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी लेग स्पेस को लेकर। एंड बैक साइड में भी मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसा है पूरा सेकंड रो केबिन। तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ और चलता हूँ फ्रंट रो केबिन की तरफ और देख लेता हूँ डोर पैनल कैसा देखने को मिलता है ड्राइवर साइड वाला। यहाँ पर मैनुअल की का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डोर पैनल सेम ही देखने को मिल जाएगा, वही हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, टेक्चरेटेड है, थोड़ा पास में आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार का है, सॉलिड सी फिनिशिंग है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कुछ, डोर हैंडल सेम देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्चरिंग है, यहाँ पर आर्मरेस्ट है, हैंड ग्रिपर है, फ्रंट पावर विंडो सेंटर लॉकिंग के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे देखेंगे स्पीकर ग्रिल है, बॉटल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस है। तो ऐसा है पूरा डोर पैनल। एंड फ्रंट टू केबिन की बात कर ले तो डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सीट्स आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगी, ब्लैक फैब्रिक अपॉस्टी वाली, कवरिंग यूज़ की गई है जो कि एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं कुछ इस प्रकार के, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया, बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल मटेरियल के साथ में आती हैं सीट्स ऐसी हैं, साइड्स के बूस्टर्स हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा यूज़ किया गया है, फिक्स वाले हेडरेस्ट हैं, नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप सीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रोलर है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्यूल टैंक लीवर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ओबीटी का पोर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीएनजी विथ पेट्रोल के सिस्टम यूज़ किए गए हैं, सीएनजी का नूब कुछ इस प्रकार का है, सेंसर्स के साथ में आते हैं, यहाँ से पेट्रोल डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अप टू E20 पेट्रोल ओनली की बैजिंग की गई जो कि ओबीडी के साथ में अपडेट कर दी गई है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो एक बार मैं बूट स्पेस भी आपको यहीं पे ही ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि मैनुअली ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एक्चुअली मैंने लॉक कर दिया है तो फिर से मैं अनलॉक करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे जो बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है वो है 341 लीटर का, लेकिन यहाँ पर सीएनजी किट को यूज़ किया गया है तो बूट स्पेस एकदम ना के समान है। स्पेयर व्हील भी आप लोग देख रहे हैं यहीं पे फिट की गई है जो कि बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में आती है, हिले डुलेगी नहीं। एंड 60 लीटर का सीएनजी किट देखने को मिल रहा है, ऊपर पार्सल टे है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई दिया। तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ, बढ़ता हूँ अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ। ड्राइवर साइड में आ जाएंगे फिर से तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC पैडल्स देखने को मिल जाते हैं मैनुअली, एंड यहाँ से फ्रंट बोनेट को ओपन कर सकते हैं, साइड से नूब बना हुआ है। एंड ऊपर साइड में थोड़े से बटन यूज़ किए गए जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल टू CNG एंड और बटन्स यूज़ किए गए हेडलाइट स्विचेस वाले। यहाँ पर रिंग शेप में AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है डोर पैनल एंड सीट्स कंफर्ट। तो चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चाबी जो कि कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आप लोगों को रिमोट की ऑफर की जाती है एक्सेसरीज के तौर पे, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, डुअल नॉर्मल से की आती है फिजिकल वाली। तो चलिए अब मैं इसको लगा देता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ एंड वन बाय वन करके फ्रंट टू केबिन के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको पूरा डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है जो कि लॉक है, एक बार मैं अनलॉक करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है जो कि लेदर रैप्ड कवरिंग के साथ में आती है, और ये जो कवरिंग दोस्तों है ये एक्सेसरीज का एक पार्ट है जिसका प्राइस इंक्लूड कर दिया गया उसमें। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पर कोई भी बटन्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इधर साइड में देखेंगे वाइपर के कंट्रोल यूज़ किए गए हैं, एंड राइट साइड में आपको इंडिकेटर हेडलाइट लेवल को कंट्रोल करने के कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग के साथ में आता है, मैक्स स्पीड 180 की दिखा रहा है ये। तो चलिए इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ। दोस्तों माफ़ करिएगा, इस कार में लगता है बैटरी नहीं है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, और ये मैंने पहले भी चेक नहीं किया था। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, तो इसके मीटर कंसोल में आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अपडेटेड कर दिए गए हैं। इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर दिख ही रहा है, ओडोमीटर, फ्यूल इग्निशन, CNG टू पेट्रोल कन्वर्ट का स्विच, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। डिजिटल क्लॉक देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉप का बटन जिससे आप ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल चेक लाइट्स आपको सराउंडिंग में देखने को मिल जाएंगे, येलो लाइटिंग के साथ में आता है।
एंड यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर कॉन्सोल को, तो वो भी अच्छा सा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक न्यू म्यूजिक प्ले सिस्टम देखने को मिलता है जो कि टच स्क्रीन के साथ में आता है एंड ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ ऑक्स। इसी के नीचे आप देखेंगे हेजालाइट का स्विच यूज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको एसी के कंट्रोलर्स पूरे देखने को मिल जाते हैं जिसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है उसके साथ में आपको 4 स्पीकर का प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे सराउंडिंग क्वालिटी के साथ में आता है। साउंड क्वालिटी आपको एकदम नंबर 1 की देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्पेस यूज किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे 12B का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है जिसके अंधेरा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है, कंफर्टेबली ड्राइवर ग्रिप कर सकता है। एंड बैक साइड में एक सिंगल बॉटल होल्डर का स्पेस है, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड की सीट भी आपको सेम ही देखने को मिलती है जो कि एक्सेस के साथ में इंक्लूड की गई है। एंड डोर पैनल आप देख रहे हैं सेम है। ऊपर आपको हैंड ग्रिपर देखने को मिल जाएगा को पैसेंजर साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैरिटी पैड देखने को मिलता है, एयरबैग की बैजिंग है, रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती है जो कि बैटरी नहीं है जिसकी वजह से ऑन ऑफ नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको डे नाइट वाला IRVM देखने को मिल जाता है अपने मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में। ड्राइवर साइड में भी आपको एक वैरिटी पैड देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है फ्रंट रो केबिन। एंड एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूं तो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं डुअल टोन फिनिशिंग में यूज किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी है फिनिशिंग यूज की गई है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर यूज किया गया है। एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 इंक्लूड किए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। को ड्राइवर साइड में आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है अच्छे खासे स्पेस के साथ में है। तो ये रहा पूरा फ्रंट रो केबिन जो कि मैंने आपको दिखा दिया और बहुत ही सभी नए फीचर्स के साथ में आता है। एंड अगर बात करें सेफ्टी की तो इस कार में आप लोगों को डुअल एयरबैग्स, ABS विद DBD, हील होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट में ब्रेक, जो ब्रेक यूज की गई है वो है डिस्क, एंड रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है जो कि अच्छी यूज की गई है। तो चलिए अभी चलते हैं इस कार के फ्रंट में और बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। सो दोस्तों इस कार के फ्रंट में जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है वो आता है 1 लीटर पेट्रोल विद CNG के साथ में जो कि OBD-E20 फेज 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दिया गया है। एंड ये BS6.0 के नाम से आता है जिसकी मैक्स पावर है 56 PS की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 82 Nm की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो आता है 34 से 35 km का जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड इस कार में दोस्तों जो एक्सेसरीज यूज़ की गई है वो आप लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों पूरी कार के बारे में बात करें तो कार बहुत ही अच्छी है, पॉपुलर है, लोगों को पसंद आती है क्योंकि ये 5 सीटर फैमिली कार है और बहुत से लोगों का ड्रीम रहती है। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।